वालेकुम, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आशीषा। एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम एक शाम डॉक्टर सरवत अस्करी के नाम। खाना सब कुछ खा सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन टेक। आप 9 बजे से पहले पहले दुनिया की हर चीज खाएं। अब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ना, ये सारे रेस्टोरेंट जो है ना, अगर सुबह को खुल जाए, 10-11 बजे सुबह को खुल जाए, सुबह को ले लेंगे ना काम करें। जब आप घर में खाना नहीं खाएं, आप वहीं पे खाना खाते हुए जाएं। अच्छा, आप बाहर का खाना आपकी थेरेपी करते हुए खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर आपको ये है कि टेक अवे करें, लोग सुबह को रेस्टोरेंट खोला करें, बहुत सारे कारोबार कर लें और टेक अवे कर लें, निहारी पाए पुलाव गर्दा कोरमा सब सब आप सुबह खा के जाएं ऑफिस। यकीन करें आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। मैं आपसे बिल्कुल मोटे भी नहीं हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं। मैं सारी जिंदगी यही किया मैंने और मेरा 40 साल से एक ही वजन है। अच्छा माशाल्लाह। आप सोचिए तो डॉक्टर साहब ऐसे क्यों कहते हैं कि भाई आपको अगर वजन कम करना तो बाहर के खाने सबसे पहले छोड़ो? नहीं ना, बिल्कुल मैंने कभी नहीं छोड़ा बाहर। अच्छा, आप जहर खाएं, अल्लाह खाएं, बला खाएं, कुछ लेकिन आप टाइम से खाएं। जो अल्लाह ने आपके अंदर का एक सिस्टम बना दिया है, उसी में आपका यूटिलाइज हो जाएगा। उतने ही काम शुरू कर देना चाहिए ताकि खाना आपका जाए तो नीचे की तरफ, वो तो आप वैसे ही लेट जाते हैं, क्या होगा? ओवर ईटिंग करें, आप खूब खा लें, जो आपके हजम होने का टाइम है उसी पे खाएं। सुबह आप खा के देखिए, अगर आपको कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता सुबह। मुझे सारे लोग कहते क्या डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं, बाहर का पराठा भी खा सकते हैं, हम ये खा सकते हैं, इनका खाएं आप। अगर आप मुझे हो जाए तो मैं भी छोड़ दूंगी सब कुछ। माशाल्लाह 10 दिन में 12 दिन में 10 किलो वजन किसी भी औरत का कम हो सकता है जो 120 केजी हो, 119 केजी हो गई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। तो चलिए नाज़रीन को हमने आपके इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है, आगे भी इंशाल्लाह हम इसके बारे में पूछते रहेंगे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़े से आप अगर एक दो पोस्टर बता सकें या ज्यादा हो सके हम उसको आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे, ताकि जितने से ज्यादा हमारे व्यूवर्स इससे फायदा उठा सके वो अच्छी बात है। क्योंकि पता है डॉक्टर साहब होता क्या है, यहाँ पे लूटने वाले बहुत बैठे हैं, जिनके नाम पे बहुत ज्यादा जिम्स खुले हुए, पैसे ले रहे हैं, ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं या घर का खाली खाएं और बस लूटने का धंधा बनाया हुआ है। अफोर्ड नहीं कर सकता ना इतना पैसा देना कि इन चीजों में जब आपकी थेरेपी है, बिना पैसे के आराम से बंदा घर बैठे खा पी के एंजॉय करके कम से कम एक दफा आता है, उसको जरूर थोड़े बहुत पैसे देना होते हैं एक दफा। जी जी जी। उसके बाद वो मेरे पास ना आए तो मुझे खुशी होती है कि वो दूसरे को लेकर आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। मैं कहती हूँ आपको मैं करूंगी भी नहीं, पता चल जाएगा कि आपने नहीं किया। आप 3 दिन में अगर आपका वजन कम नहीं हुआ तो आपने मेरी बात नहीं मानी, आप नहीं आए। सही। इसलिए मैं उनका करती भी नहीं होना, पूरे पैसे लेती हूँ। पहले मैं देखती हूँ कि ये है, क्योंकि तो खैर साइकोलॉजिस्ट भी हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये करेगा नहीं करेगा, तो उसको उसी तरह डील करते हैं। हम इस पे भी आपसे एक प्रोग्राम करेंगे और लोगों की जो थॉट्स हैं, लोग क्या सोचते हैं उस पे भी आप एक अलग से एक हम प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हम इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए नाज़रीन हम पोस्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको अपने लेके चलते हैं ओको आईब्रो थेरेपिस्ट। हमारा एक हमने सेशन अलग से बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको डॉक्टर साहब पोस्टर करके दिखाएंगे, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम जो 50+ जो खवातीन होती है ना और मोटे जो हो जाते हैं, जो ऑबेस हो जाते हैं, वो भी ऐसे नहीं बैठ सकते। इस तरह से ये बैठी हुई हूँ। इस तरह से बैठने से क्या होता है कि आपकी एंगल जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर ऐसे बैठने लगे हो तो फिर आपकी आपकी बॉडी के जो पोस्चर्स है ना, जो आपकी शेप है ना, वो सही है अगर आप ऐसे बैठ सकते। बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं, नहीं बैठ पाते, इस तरह करके बैठते हैं क्योंकि उनकी टांगे ये नीज नहीं मिलते, ठीक है ना। तो जब नीज मिल रहे हैं तो आप समझ लें कि आप यहाँ से सेट हैं, आपका पेयर शेप नहीं है। और अगर आपको इस तरह बैठ, ये हो गया एक एंगल, ये हो गया, ठीक है, ये हम इसको नमाज का एंगल कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप इस तरह से बैठ। और उसके बाद क्या होता है कि आप इधर से भी बैठ के देखें, फिर इधर से भी देखें। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप इधर से नहीं बैठ पाते, एक तरफ से बैठ पाते और एक तरफ से नहीं बैठ पाते। अच्छा देखिए, अब मैंने ना जैसे ये नीज जो मिले हुए ना मेरे, अभी ये लेफ्ट साइड राइट साइड से मिले हुए, ठीक है, अब मैं इसे लेफ्ट साइड में भी करके आपको दिखाऊंगी कैसे होते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह किया, इसको ऐसे उठा, ऐसे हुए आप और ऐसे करके आप ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है कि लोग यूं होने लगते हैं, अजीब सी हालत हो जाती है उनकी, नहीं कर पाते। तो आप समझ जाइए कि आपका अंदर आपका डी शेप है बॉडी, ठीक है। अब ये देखिए, ये मिले हुए दोनों नीस मिले हुए होने चाहिए, नीस मिले होना चाहिए आपके, उस पे फिर आपका बहुत अच्छा आपका पता चलेगा कि आपका ये कर्व है ना, जी कभी खराब नहीं होगा इस तरह का, तो ये आपका सेट रहता है। सही। अब ये हो गया आपका राइट का, लेफ्ट का, दोनों का हो गया। अब आपको मैं दूसरा एंगल बताती हूँ। एक और एंगल होता है जो हम खाना खाते हैं स्पेशली, तो हम नीचे बैठ के जो लोग खाना खाते हैं उनका क्रॉस लेग जो होता है, वो एक क्रॉस होता है, एक आपको अपना टांग को ऊपर रख लेते हैं, आप अपने मैदे की तरफ, जिगर की तरफ, दोनों तरफ टांगे आप रख सकते हैं अपनी। तो फिर आप जब इस तरह से करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप क्या करते हैं। जैसे ये मैंने, अब ये मेरी टांग है, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर ली, अब ये टांग मैंने ऐसे करी है ना, तो ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है, जिस तरह से मैंने अभी किया हुआ ये गलत तरीका है। इस तरह बैठ के नहीं खाना खाया जाता, ठीक है। क्या किया इसको मैंने, अब ऐसे करके इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया जब, तो अब आप जब खाना खा रहे हो तो खाना खाने के वक्त क्या होता है कि पेट आपका, ये इसकी वजह से आपका पेट अंदर रहता है, ठीक है। आप खाना खा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, आप ऐसे ऐसे करके खाना खाएं। खाना हम लोग कैसे खाने लगे, हम लोग खाना यूं खाते हैं, क्रॉस लेग तरीका है हमारा बैठने का, और फिर हम ज्यादातर यूं ही हो जाते हैं, ये तरीका है हमारा खाना खाने का, हम लोग ऐसे खाना खाते हैं। तो ये तरीका जो है ना बहुत गलत है, जिससे आपकी पैरवेस अंदर की तरफ चली जाती है और आप मर्दों वाली बॉडी की तरफ आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेल और फीमेल दोनों उसी तरह से बैठे, सारे लोग नमाज भी इसी तरह पढ़ रहे हैं क्योंकि वो नहीं बैठ पा रहे। बिल्कुल, तो ये तरीका जो है ना, अगर आपने शुरू से अपना इसी तरह का पोस्टर बनाते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लड़कियां खासतौर पर।